हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड अबाउट बायो. दिस इज योर शिवानी मैम. सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमारा RUHS BSc नर्सिंग का रिजल्ट फाइनली अनाउंस हो चुका है एंड सभी स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा. आप लोगों को पर्टिकुलरली क्या करना है, RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है. वहां पे आप लोगों को आपका रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है. उसके बाद आप लोगों का प्रॉपर रिजल्ट, आप लोगों का क्या स्कोर रहा है, वो आप लोगों का मेंशन होके आ जाएगा. अब उसके बाद आती है कि आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होने वाला है, प्लस आप लोगों का क्या कट ऑफ रहने वाला है. तो इसके लिए आप लोगों को एक अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें आप लोगों को मैं पर्टिकुलरली बताऊंगी कि किस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आप लोगों को कितनी कट ऑफ चाहिएगी, प्लस उस कॉलेज में एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहेगा. आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कि RUHS BSc नर्सिंग का जो अभी आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसका कल रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसके अंदर कौन, उसके बेसिस पे, उसकी मेरिट के बेसिस पे आप किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. तो यहाँ पे वी हैव अ टोटल लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड उन कॉलेजेस का पर्टिकुलर आपको नाम, उस कॉलेजेस का कितना सीट इनटेक है, ये आप लोगों को यहाँ पे डिटेल मिलने वाली है. तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनको नहीं पता है कि आपका RUHS के बेसिस पे किस किस कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं. तो बेस्ट थिंग इज कि आप सबसे पहले अपने एरिया वाइज कॉलेजेस को सेलेक्ट करें कि लेट सपोज आप लोग उदयपुर से हैं, उदयपुर में आप लोग चाहते हैं कि मुझे उदयपुर के ही कॉलेजेस मिल जाएं, तो इस लिस्ट में आप सारे उदयपुर के कॉलेजेस फाइंड आउट कर लो. उन कॉलेजेस का क्या कट ऑफ जा रहा है, क्या आप उस कट ऑफ के अंदर लाई कर रहे हो, आप ऐसे चेक करके आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को आपके मेरिट के बेसिस पे किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारे लिस्ट एक बार बता देती हूँ. जैसे कि अगर हम बात करें बीकानेर का, बीकानेर में आपका कॉलेज है डॉक्टर तनवीर मलावत नर्सिंग कॉलेज, जिसके अंदर टोटल आपकी 40 सीट्स हैं BSc नर्सिंग के लिए. आपका गुलशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका माधोपुर में है, इसमें भी आपका टोटल 40 सीट्स है. मैक्सिमम आप देखेंगे कि जितने भी, बिकॉज हम लोगों ने RUHS को हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं BSc नर्सिंग के लिए, बिकॉज वी नो कि भाई राजस्थान में बहुत सारे कॉलेजेस हैं. सबसे ज्यादा कॉलेजेस अगर हम कहीं भी बात करते हैं ना कि भाई सबसे ज्यादा कॉलेजेस कहाँ पे हैं BSc नर्सिंग के, तो डायरेक्ट आंसर आता है राजस्थान. तो वही प्रॉपर आप लोगों को मैं कॉलेजेस का लिस्ट यहाँ पे शो कर रही हूँ. ये लिस्ट का PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन करेंगे, वहां पे आप लोगों को ये मिल जाएगा. आप इसमें जाके अपना चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली किस एरिया में आपको कॉलेजेस चाहिए. जैसे कि अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ में भी आपकी 40 सीट्स अवेलेबल हैं. आपका कल्पतरु कॉलेज ऑफ BSc नर्सिंग, ये भी आपका उदयपुर में है, 40 सीट्स अवेलेबल है. राजस्थान जयपुर में है आपका संस्कार कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 40 सीट्स अवेलेबल है इसमें आपका. आपका दंगारपुर में है MB कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 40 सीट्स अवेलेबल है. चौधरी काना राम ढाका, ये आपका झुंझुनू में है, इसमें आपकी टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है. स्टार नर्सिंग कॉलेज जयपुर में आपका है, 50 सीट्स अवेलेबल है इसके अंदर. तो ये आपका प्रॉपर लिस्ट है, एक एक नाम आप चेक कर लेना किस कॉलेज को आप लोगों ने प्रेफरेंस दिया हुआ है, उस बेसिस पे आप लोगों को पता चल जाएगा. एंड नेक्स्ट वीडियो में इफ आप लोगों ने कोई कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम इस लिस्ट में से हमें इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कॉलेज वाइज कट ऑफ भी आप लोगों के लिए शेयर करूंगी कि क्या कॉलेज वाइज कट ऑफ है. बिकॉज सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए आती है जिन स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो थोड़ा मार्जिन पे रह जाता है. जो टॉप रैंक का स्टूडेंट्स है जिनकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी आई है, उनको तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है, उनको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे. लेकिन वो स्टूडेंट जिनको थोड़ा मेरिट के बेसिस पे उनका स्कोर थोड़ा कम है या फिर उनका मार्जिनल अभी स्कोर चल रहा है, उन स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है. तो ये आप लोगों की प्रॉपर पूरी की पूरी लिस्ट है, यू कैन चेक इट हियर. हर एक कॉलेज आपका राजस्थान में जितने भी कॉलेजेस है सारी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी. टोटल मैंने अभी आप लोगों को 53 कॉलेजेस का सीट यहाँ पे दिखाया हुआ है. हर एक कॉलेजेस का सीट भी मेंशन है कि उसके अंदर कितनी सीट्स है. तो ट्राई करना जिस कॉलेज के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, मैक्सिमम आपको 60 मिलेगा, उससे ज्यादा किसी के अंदर सीट नहीं मिलने वाला है. तो आप उसी बेसिस पे चेक कर लेना कि इस कॉलेज के अंदर 60 सीट्स है, आप इस एरिया में भी जाके रह सकते हैं.
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप अपने एरिया से किसी आउट एरिया में सिलेक्ट कर रहे हैं कॉलेज, तो ये चीज चेक कर लेना कि उस एरिया का हॉस्टल कैसा है, उस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट कर लेना। एंड द बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आप कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर पे उनके एडमिशन काउंसिलिंग में एक बार कॉल करके भी आप कंफर्म कर सकते हो उनकी हॉस्टल फैसिलिटीज, उनका प्रॉपर, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर फॉर्मेलिटीज क्या है। यहाँ से आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज कम्पेयर टू द डिफरेंट डिफरेंट आप यूट्यूब चैनल सर्च करो, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज में देखो। बहुत अच्छे ऑप्शन सब बच्चों के लिए रहता है, जो हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इजिली पता होनी चाहिए प्रॉपर। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली हमारे वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का अभी मार्जिनल पे स्कोर चल रहा है एंड दे आर लुकिंग कि मुझको राजस्थान में ही कोई अच्छा बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाए। तो आप यहाँ से कॉलेजेस का लिस्ट में चेक करें, कॉलेजेस का नाम देखे एंड देन सर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉलेज। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग रिगार्डिंग बात करेंगे कि आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे आप लोगों को काउंसलिंग करानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एंड आपको अगर टॉप रैंक है आपकी तो आपकी कितने मार्क्स तक आप लोगों को कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज मिल सकता है, उसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है। सो मेक श्योर चैनल पे आप लोगों को बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है सो देट आप लोगों को नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।